नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं रितुल जोशी। ठाकरे नाम ही काफी है, खासतौर पर अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें, मुंबई की राजनीति की बात करें, लेकिन ठाकरे सरनेम जुड़ता है इस खानदान की तीसरी पीढ़ी के एक शख्स के साथ, तब जरा चुनौतियां भी मुश्किल हो जाती हैं और आगे का रास्ता भी। शिवसेना जिस दौराहे पर इस वक्त खड़ी है, आगे की राह क्या है, क्या उसे पीछे पलट के बाला साहब का विजन देखना है या फिर अपने लिए एक नई राह तलाशनी है, इस सवाल का जवाब शायद आदित्य ठाकरे से बेहतर कोई नहीं दे सकता, जो इस वक्त हमारे साथ इस खास बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक। मैं मुझे लगता है मैं सिर्फ युवा सेना के लिए बात कर सकता हूँ, शिवसेना के लिए तो हमारे पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है, लीडर्स है, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बड़ी पिक्चर देखेंगे तो आप शिवसेना से ही जुड़ते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हाथ कह दे कि मैं शरीर से अलग हूँ। जो बड़ी पिक्चर उसमें मैं तो छोटा सा हिस्सा हूँ। मैं वही तो कह रही हूँ ना, उंगली कह दे कि मैं तो इस शरीर का छोटा सा हिस्सा हूँ, मुझे अलग कर दो, कैसे चलेगा काम? पांचों उंगली साथ है तो काम हो सकता है जी। तो वही मैं जानना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं देखिए आपने बहुत बेहतरीन बात ये उठाई कि आप एक छोटा सा हिस्सा है। अभी जब बाला साहब गए थे, एक वॉइड जब महसूस किया जा रहा था, तब एक चीज ये कही जा रही थी कि आपको थोड़ा और एलिवेट कर दिया जाए, ज्यादा जिम्मेदारी सौंप दी जाए। आपके पिता ने, उद्धव ने खुद मना कर दिया ये कहते हुए कि अभी तैयार नहीं है आदित्य। कितनी तैयारी बाकी है, कौन सा वो फ्रंट है जहां आपको लगता है कि अभी आप? देखिए, इसमें एक अहम मुद्दा है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं युवाओं के लिए काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अभी तो देश का हिस्सा बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि मुझे काम करने के लिए कोई लीडरशिप के पोस्ट की जरूरत है या कोई दूसरे पोस्ट की जरूरत है। मैंने तो बराबर समझा कि मैं अभी 22 साल का लड़का हूँ, काम कर रहा हूँ, कॉलेज में हूँ, पढ़ रहा हूँ, और मुझे अभी एलिवेशन देना कितना ठीक होगा। ये तो बहुत बहस हुई, मुझे लगता है हमारे से ज्यादा मीडिया में भी काफी आर्टिकल्स छपे गए, लेकिन जो राह हमें चुनी है वो तो बाला साहब का जो सपना है वो पूरा करना है। इसलिए कोई पोस्ट हो ना हो, मुझे तो सिर्फ काम करना है। मेरे साथ जो युवक है, जो युवा वर्ग जुड़ रहा है हमारे साथ, उनको आगे लेके जाना। आप बाला साहब के सपने की बात करें और वाकई ये बाला साहब का विजन ही था जो शिवसेना को यहाँ तक लेकर आया, लेकिन बहुत बदल गया है। अब आप खुद 22 साल के हैं, एक पूरी पीढ़ी है इस वक्त शिवसेना में या फिर युवा सेना में जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, जो शायद पुरानी बातों से आगे हटकर कुछ और नई बातें करना चाहती है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जिस कट्टरपंथी रास्ते पर, और कई बार जितने स्ट्रांग वर्ड्स वाला साहब इस्तेमाल किया करते थे, चाहे फिर वो उत्तर भारतीयों के लिए हो या मुसलमानों के लिए हो, वो अब भी रेलेवेंट है क्या उसी रास्ते पर शिवसेना को आगे चला? इसमें दो चीजें हैं, एक तो जो मैं सपने के बारे में बात कर रहा हूँ वो था उनका जो सपना है, जो हमने काफी हद तक पूरा भी किया था जब हमारी सरकार थी। जो मैं कह रहा हूँ, जो प्रगति है, डेवलपमेंट, वो उनका सपना था। फिर वो लेकिन जो ये प्रगति एक मिनट इसमें जो फ्लाईओवर बने हैं, जो बनाए जा रहे थे, जो एक्सप्रेस वे सी लिंक है, वो किसी एक हिस्से के लिए नहीं बनाया जा रहा था। जब पानी दे रहे हैं, हम अभी भी बीएमसी से पानी देते हैं या बिजली देते हैं या बस की सर्विस देते हैं, ये कोई एक केवल हिस्से के लिए नहीं थी। अर्थात ये कहते हुए मैं ये भी कहूंगा कि हर एक अलग अलग समय में अलग अलग जरूरतें होती है, अलग अलग विषयों की उछाल चढ़ाव होते रहते हैं। और जो मेरा जमाना है वो ये मान के चल रहा है कि जो अभी महाराष्ट्र में है उनको कैसे आगे लेके जाए। जैसे मैंने अभी आपके कॉन्क्लेव में भी कहा कि एक ये मानना है कि हम महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन करके रहेंगे, पंजाब में पंजाबी करके रहेंगे, बंगाल में बंगाली करके रहेंगे और हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी करके रहेंगे। तो क्या महाराष्ट्र में पंजाबी, बंगाली, उत्तर भारतीय, बिहारी या यूपी के आदमी के लिए जगह नहीं? यही तो हमारी बात है कि अगर आप आ रहे हो, अच्छा काम करना चाहते हो, तो आओ, खुशी से रहो, अच्छा काम करो और हमारे राज्य को अपना भी राज्य समझो। लेकिन अगर आप आके कुछ अलग, फिर वो कोई भी हो, हमारे में से हो, कोई दूसरे से हो, वो गलत है। और जो अभी हम कह रहे जा रहे हैं वही है कि कोऑपरेशन इज पॉसिबल, अग्रेशन वेयर नेसेसरी। और अग्रेशन हमारा इस मुद्दों पर है, ड्राउट के इशू पे मैंने अग्रेशन लिया है, उधर जाके काम कर रहा हूँ। 75 गांवों को मैं लास्ट पिछली बार पानी दिया था, इस समय मैं 100 गांवों को देना चाहता हूँ। जिधर सरकार से कोऑपरेट करना चाहते हैं उधर करेंगे। जो महिलाओं को असुरक्षितता लग रही है उधर हम काम कर रहे हैं, हमारी हेल्पलाइन 24 आवर्स चल रही है। और हम सभी वर्गों के महिलाओं को, फिर वो एक मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो जैसे आप कहते हैं कि महाराष्ट्र वो नहीं है, लेकिन वो इतने सालों से महाराष्ट्र में रहती आ रही है कि वो महाराष्ट्र है जी। मैं एक यूनिवर्सिटी की मैं अभी, आप तो इतने छोटे से हैं, आप तमाम बड़े विजन की बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। और एक नई भाषा ऐसा लग रहा है कि शिवसेना यहाँ बोलने की जी, आप करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप कहते हैं आप बहुत छोटे हैं अभी और बिना कोई पद लिए, बिना कोई जिम्मेदारी उठाए भी आप अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। जब आप जिम्मेदारी उठाने की उम्र तक में नहीं पहुंचे हैं, तो ये कैसे तय करेंगे कि कौन अच्छा कर रहा है और कौन बुरा कर रहा है? किसने ये हक आप दिया कि आप तय कर लें कि इस आदमी ने अच्छा किया और इसने बुरा किया? मैं एक फेसबुक का इंसिडेंट उठाती हूँ। आप खुद
जनता से, युवा वर्ग से जुड़ते हैं फेसबुक के जरिए, आप काफी एक्टिव हैं। और जब एक उसी युवा वर्ग से लड़की उसमें एक अपना कमेंट पोस्ट करती है, अपनी दिल की बात रखती है, जेल जाने की नौबत आ जाती है उसको। अभी ये कौन सा जस्टिस एक मिनट आपको क्वेश्चन पूछो इसमें। एक तो ऐसे कितने काफी लोगों ने पोस्ट किया है, उसमें से कितने लोगों पे ऐसी एक्शन हुई है। दूसरी बात, जैसे इसकी सेंटिमेंट, यही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे इसकी सेंटिमेंट थी, जिसने कंप्लेन किया होगा उसकी भी सेंटिमेंट है, जो एक्शन ली वो पुलिस ने ली और मैजिस्ट्रेट ने ली। और ये विषय मुझे लगता है काफी छोटा है जो हम काम कर रहे हैं इसमें। मैं आजादी कभी छोटा विषय नहीं होता देते, आजादी हर एक की आजादी को अगर आप छोटा बता देंगे तो फिर तो कोई आजादी बचेगी नहीं। मैं किसी को छोटा ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो विषय है, अभी जो सामने है मेरे राज्य के, ये फेसबुक की आजादी का विषय नहीं है, जो दुष्काल चल रहा है हमारे राज्य में उसकी विषय है। और मुझे लगेगा कि अगर सब इसमें आके काम करें, मैंने तो जैसे मैंने कहा कि फेसबुक में आप नहीं काम, मैं हूँ, उससे भी अपील किया कि जैसे आप काम करना चाह रहे हो, मुझे मदद करना चाहोगे कर दो, लेकिन कोई कमेंट करेगा तो जेल जाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर किसी के जाना तो बड़ा हुआ तो यही, मैंने जेल भेजा, जुडिशरी मेरे हाथों में, पुलिस मेरे हाथों में, सरकार मेरे हाथों में। लेकिन इतना तो जरूर है ना कि आपका डर सबके दिल में, इस बात पे मुझे नहीं टोक सकते आप, क्योंकि मेरी सरकार नहीं है। अच्छा, फिर इसके लिए हम जिम्मेदार सेंटिमेंट हो सकते हैं, स्पोराडिक इंसिडेंट है, ये कितना लेके आगे जाने का, किसे बात करने की, आप कल से पूछे क्या इंसिडेंट था। लेकिन चलिए, कुल मिलाकर हुआ यही कि बड़े सवाल इस इंसिडेंट ने खड़े कर दिए। खैर चलिए, हम इस बात से अगर आगे निकले, हम आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम शिवसेना के लिए आगे के रास्ते की बात कर रहे हैं। इस वक्त मुझे लगता है, मुझे क्या, बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी ये बात कहते हैं कि अगर कोई सबसे बड़ा चैलेंज शिवसेना के सामने है तो वो खुद परिवार के अंदर से, और बहुत सारे लोग आपके दादाजी की, बाला साहेब की छवि, उनका अक्स राज में ज्यादा देखते हैं बजाय उद्धव में दिखने के। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ये आपके लिए, क्योंकि सबसे बड़ा डेंट वो लगाते हैं आपके वोट बैंक को। ये पॉलिटिकल एनालिस्ट मुझे पता नहीं कौन है क्या है। दूसरी चीज ये है जो आपने कहा परिवार से, मुझे नहीं लगता परिवार से कुछ है, क्योंकि जो मेरा परिवार है, शिवसेना परिवार है मेरा, और वो सब एकजुट है और काम कर रहे जनता की। और राज परिवार नहीं है। देखो, मेरे साथ जो है, मेरे पिताजी के साथ, मेरे पार्टी के साथ जो लोगों की सेवा करेगा वो मेरा परिवार है, पूरे महाराष्ट्र और हिंदुस्तान के लोग मेरे परिवार है, जो काम करना चाहेंगे वो। और आखिर जनता का सवाल है कि जो देखेगा काम कर रहे हैं उसके साथ जाएंगे। यही तो हो रहा है, वोट तो राज को ज्यादा मिल रहे हैं, तो इसका मतलब काम वो ज्यादा कर रहे हैं। बीएमसी में हम तीसरी बार लगातार चुन के आए, लेकिन अभी जब इलेक्शन लेते तो हमने यही देखा कि ये अभी के इलेक्शन है, लेटेस्ट फिगर है जी। लेकिन राज की बात अगर आप कर रहे हैं, अगर नहीं, देखिए मैं इस बात पे बात करूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं उम्र से भी काफी छोटा हूं, और मैंने जैसे कॉन्क्लेव में कहा अभी कि मैं इतना ही सीमित रखूंगा कि जो मैं युवासेना के द्वारा जो करने जा रहा हूं उसी पर मैं बोलूंगा। चलिए, लेकिन आप अपनी एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन तो रखते होंगे, अपनी एक राय जरूर रखते होंगे। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, मान लीजिए राज अगर वापस लौटना चाहें, अगर साथ मिलकर फिर से काम करना चाहें, तो क्या पार्टी के दरवाजे उनके खुले हैं या नहीं है? देखिए, ये तो अगर मगर की बातें हैं, लेकिन मैं अभी तो सोचा होगा, मैं तो अभी यही सोच में पड़ा हूँ कि मैं पानी कैसे दूं, थाने ग्रामीण में जाके काम कैसे करूं, मराठवाड़ा में इतने बेचारे लोग तरस रहे हैं पानी के बिना, उधर पानी कैसे पहुंचाया जाए, पानी का शुद्ध किया जा सकता है, सी वाटर को आप डीसैलिनाइज कर सकते हैं, इन सोचों में पड़ा हूं मैं, दूसरे सोच में नहीं जा सकता, क्योंकि आप एक बहुत गंभीर मुद्दा उठा रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आदित्य कि आप ये तीन काफी गंभीर मुद्दे, अहम मुद्दे है, क्योंकि एक तो ये है दुष्काल जो ड्राउटेड एरियाज है, दूसरा विषय है एजुकेशन, काफी कुछ समस्या हमारे सामने आ रही है। मैं भी अभी विद्यार्थी हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट लॉ कर रहा हूँ, और मेरे भी एग्जाम्स पोस्टपोन हुए, तो मुझे पता नहीं मेरे एग्जाम्स अभी कब आएंगे, क्या होगा इसका। और जब मैंने सोचा कि कुछ करते हैं तो गवर्नर साहब हमारी काफी मदद करे, वो काफी एक्टिव रहे, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ हो रहा नहीं अभी, उनकी आंखें कब खुलेगी ये मुझे प्रश्न। तीसरा मुद्दा महिलाओं का विषय जो है, उस पर भी हम काफी एक्टिव रहे हैं, हेल्पलाइन चालू है, और जिधर जिधर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है महिलाओं को हम मदद करें कि उधर कर सकते हैं, अगर लीगल पैनल दे सकते हैं उनको, कुछ सिक्योरिटी दे सकते हैं, तो ये सब चीजें मैं देख रहा हूँ जी। आप अपनी हेल्पलाइन की बात कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं, छेड़खानी जैसी चीजों पर वैसे आप लोगों को काफी कड़ा रोक रहा है, आप लोग उसमें कह देते हैं कि जेल हो जाए या फिर इन लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर उसी शिवसेना के लोग, कोई बेचारी महिला अपने दोस्त के साथ अगर वैलेंटाइन डे मना रही होती है, 5 साल में हुआ है, तो उसको मतलब कि आप अपना रुख बदल रहे हैं। यही जानना चाहती हूँ, क्या शिवसेना अपने पुराने रास्ते से हट रही है? अगर आप वो विरोध नहीं करते जो हम आज से 5 साल पहले देखते थे, तो क्या एक नए रास्ते पर जा रहे हैं आप, और क्या वो एक मॉडरेट फेस है?
ये तो आप लोगों से पूछना चाहिए कि क्या बदल रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि हम आईने में अपने जो देखते हैं वो शायद हो नहीं सकता है, दूसरे जो हमें देखते हैं वो शायद हो सकता है, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ, मैंने जैसे कहा कि ये मेरे काम है उसी पर मैं बात करूंगा, आपको मैंने बहुत जटिलता में डाल दिया है। सवाल का नहीं, नहीं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं ये पूछ रही जानना चाहती हूं कि आप सवाल का जवाब देने से बच क्यों रहे हैं। लेकिन ये मेरा जो काम नहीं है, जिस सवाल को जवाब देना उधर मैं जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने उधर तक अभी काम नहीं किया। मैं जो काम कर रहा हूँ हेल्थ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, उधर तक मैं बात कर सकता हूँ। बहुत सारे विचार आपकी पॉलिटिक्स के बारे में, आपके विचारों के बारे में हमने जाने, लेकिन एज अ पर्सन अगर हम आदित्य ठाकरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, 14 साल की उम्र का बच्चा पोएट्री लिखता है, बड़ा सेंसिटिव क्रिएटिव बच्चा है, 20 तक आते आते नेता बन जाता है, क्या ये जो परिवारवाद है इतना भारी होता है इसका बोझ कि नेता ही बनना होता है नेता के बेटे को? नहीं, मैं सिर्फ नेता नहीं हूँ और मैं नेता हूँ ही नहीं, मैं तो कहता हूँ मैं सिर्फ जो मेरे दोस्त है, जो कलीग्स है, उनकी आवाज उठाना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसमें सेल्फिश इंटरेस्ट है। अगर मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में कोई तकलीफें महसूस कर रहा हूँ तो मुझे खुद के लिए छुड़ानी है, और इसलिए मैंने जो दोस्त मेरे तकलीफ महसूस करे वो भी महसूस करके छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन सा सब्जेक्ट सबसे तकलीफ देता है आपको? सब्जेक्ट नहीं है उसमें बता दीजिए, ऐसे होता तो काफी होता, लेकिन सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो इश्यूज है जैसे पेपर लीक है, फिर पेपर डिले है, काफी इश्यूज है, उसमें तो काम जारी है। लेकिन मैं जैसे कहा, मैं सिर्फ नेता ही नहीं हूँ, मैं एक फोटोग्राफर हूँ, पोएट हूँ और थोड़ा थोड़ा क्रिकेट भी खेल रहता हूँ। अच्छा, इन तीनों में सबसे ज्यादा पसंद क्या है? जब जो मूड होता है वैसे होता है, कभी कभी जब कविता लिखने बैठते हैं तब ऐसे होता है कि चलो सोचते हैं और कुछ विचार आते नहीं है, लेकिन कभी तो झट से बन जाता है, फोन में लिख देते हैं। जी, फोटोग्राफी ऐसी चीज है जो कहीं भी कुछ भी, अभी आजकल तो मोबाइल फोन में भी अच्छे अच्छे कैमराज आए, तो कुछ भी अच्छा निकाल दो। आपके आपके पिता भी फोटोग्राफर थे? जी, अभी भी शायद करते हैं थोड़ा बहुत। आपको क्या लगता है, वो ज्यादा अच्छे पॉलिटिशियन है या ज्यादा अच्छे फोटोग्राफर है? मुझे लगता है हर एक पॉलिटिशियन, हर एक प्रोफेशन में आपको आर्टिस्ट बनना काफी जरूरी है। अगर आप अच्छे अच्छे डॉक्टर्स देखें तो उनकी ड्राइंग काफी अच्छी है क्योंकि उनका हाथ स्टेडी है। अगर आप कोई जज देखे या कोई भी अच्छे एक स्तर पर गए हुए आदमी को देखे तो उसको कोई ना कोई एक सेंसिटिव आर्टिस्ट साइड जरूर है। कोई कुछ तबला बजाता होगा, पियानो बजाता होगा, पेंटिंग करता होगा। कभी कभी मन ही करता कि क्रिकेट खेला जाए, पोएट्री लिखी जाए, क्रिएटिव आर्ट रहा जाए, कहाँ राजनीति के चक्कर में। नहीं, इनफैक्ट ये जो काम है जो मैंने वही कह रहा हूँ कि ये जो सेंसिटिव करते हैं आपको लोगों की तरफ, वो आप आपके कामों में भी ला सकते हैं। जैसे अभी मैं मुंबई को थोड़ा सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, पब्लिक आर्ट की एक प्रेस में जा रही हूँ मैं, ट्रैफिक आइलैंड्स को कैसे सुधारा जाए, अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शाहजी राजे क्रीड़ा संकुल है उधर में एक आपके जी वॉल प्रोजेक्ट करके ग्रुप है, एकदम सब युवा लोग है, 18-20 साल के बच्चे हैं। एक बार बताइए आपके चाचा की कोई क्रिएटिव साइड है? होगी, सब हम पूरे ठाकरे परिवार कोई ना कोई कुछ ना कुछ क्रिएटिव है। अच्छा, पापा और चाचा इन दोनों का अगर आप देखें, आपको बेहतर अंदाज किसका लगता है? मैंने ज्यादा पापा को ड्राइंग करते और फोटोग्राफी करते भी देखा और मुझे लगता है कि जिस से मैं सीखा हूँ मुझे वो भी अच्छा लगेगा। और पॉलिटिशियन ज्यादा अच्छा कौन लगता है दोनों में से? मैं पापा को पॉलिटिशियन करके नहीं, एक नेता करके दिखता हूँ और उनको फॉलो करता हूँ। चलिए, क्योंकि उनके हर एक ओपिनियन एक ऑनेस्ट होते हैं और सोच के साथ होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य हमसे बातचीत करने के लिए। तो आदित्य ठाकरे कहते हैं राजनीति में आए नहीं है लेकिन राजनीति की भाषा बहुत जल्दी जल्दी सीख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि ये युवा ठाकरे शिवसेना को आगे किस दिशा में लेके जाता है।